वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। अब आपको एक बात हम बता दें, जो आप कमेंट कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का किताब चलेगा या एनसीईआरटी अच्छा है, भारती भवन अच्छा है, एसएफ अच्छा है, एसएफ एन स्टूडेंट फ्रेंड है, या फिर जो भी अलग अलग आर एस अग्रवाल वगैरह जो भी आपका बुक है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड बुक है। ठीक है, एक दूसरे के समझिए तो भाई भतीजा लगेगा एक दूसरे का, क्योंकि इसमें टॉपिक तो सेम है लेकिन आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, उसका एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप सही से बना ले रहे हैं, ठीक है, और इस चैनल पर ये पूरा का पूरा आपको कराया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ आपको एकदम अपने भाषा में, मदर टंग में, यानी कि मातृभाषा में एकदम बढ़िया से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मजेदार, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग टेंशन लेके नहीं समझेंगे, एकदम प्यार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है। आप टेंथ का बुक पढ़े होंगे और हम जो आपको लेसन 1.1 भी कराएं, देखिएगा वो सब नीचे ही क्लास का है, बस उसका नाम चेंज होते गया, वो भारी क्वेश्चन है। तो आप बिंदास एकदम पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, लगन का सीजन है, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, एक्सप्रेस इज नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं पल्ले पड़ा तो समझिएगा, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी नंबर को तोड़िए, ठीक है, लेकिन गुणनखंड किस में करना है, प्राइम में करना है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, क्या होता है, अभाज्य, अभाज्य संख्या, मतलब ये जो भी नंबर है इसको आप तोड़िए, ठीक है, तोड़िए का मतलब 140 को ऐसे करके आप तोड़िएगा, लेकिन जो भी नंबर से ये टूटेगा वो नंबर अभाज्य होता है, होना चाहिए। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, ठीक है, जैसे कि 3, 2, 5 ये सब जितना भी है, देखिए ये 7 एगो एक के टेबल में आता है पहाड़ा में और एगो 7 के टेबल में आता है, यानी कि ऐसा नंबर, ठीक है, जो अपने से कटे यानी खुद से कटे और एक से कटे, वही उसी नंबर से यहाँ कटाना है। तो वही बोला है कि ये जो नंबर है इसको तो गुणा के रूप में तो लिखना ही है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनखंड के रूप में लिखिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ना है। तो हम लोग तोड़ेंगे, यहां देखिए कैसे, 140 है, 2 से तोड़िए, 2 × 7 = 14, 0 उतार दीजिएगा, ठीक है, 2 से कटाइए, 2 × 3 = 6, इसमें 1 बचेगा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ये कटाइए आप 5 से, 5 × 7 = 35, 7 से कटाइए, 7 × 1 = 7, देखिए ये जितना भी नंबर आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या ही है। कौन सा संख्या है, अभाज्य, अभाज्य संख्या, ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड है ये, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, तो यही आपका आया, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है, तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, अगर 2 3 बार होता तो 2 का पावर 3 लिखते, और यहाँ पे 5 × 7 हो गया आपका आंसर। ज़्यादा भारी तो नहीं है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर ही होना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखिए ये 1 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 156, कटाइए इसको 2 से, और याद रखिएगा कटाने के समय ये मिस्टेक मत कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग छोटा अंक से ही कटाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 7 से नहीं कटाएंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, नहीं कटेगा तब नंबर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पहले 2 से चेक करें, 2 × 7 = 14, 14 यहाँ कटाएं हम, 1 बचेगा इसमें, 15 है तो 1 है तो इसमें 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कटाइए, 2 × 3 = 6, 1 बचेगा, 2 × 9 = 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 से, 3 × 3 = 3 और 3 × 3 = 9, फिर ये 13 से, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से ही कटेगा एक बार में, क्या क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13, देखिए तो कोई डबल है तो यहाँ देखिए 2 बार है, 2 तो यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 × 13 हो गया आंसर आपका, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए ना 3 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद आप खुद स्वयं बना सकते हैं, 38 है और यहाँ 2 है, 5 है, कितना से कटने का चांस बनता है, 2 से तो पहले कटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 से, 2 के पहाड़ा में जो जो नंबर आता है वही कटता है, तो 2 के पहाड़ा में आप कभी 5 नहीं देख सकते हैं, ठीक है, 2 के पहाड़ा जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 हो वही 2 से कटेगा। यहाँ देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाइएगा तो हो जाएगा 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 3, ये कटाइए, 3 × 2 = 6, क्योंकि 3 × 3 = 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इसमें 2 जाएगा, 2 बचा है ना, तो 2 × 22 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 बचा 15, 3 × 5 = 15, फिर ये कहीं 3 से, मे भी 3 से कटेगा ही, 3 × 4 = 12,
यहाँ कटे 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये 5 से कटाइए, 5 से कटाइएगा तो हो जाएगा 5 × 8 = 40, ये 2 बचेगा, 5 × 25 हो जाएगा। फिर ये कटाइए, 3 से नहीं कटेगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 1 × 3 = 2 नहीं कटेगा 5 से, ठीक है, 5 से कटाइएगा तो 5 से यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 बचेगा तो हो जाएगा 5 × 7 = 35। फिर 17 से कटाइएगा एक बार में। अब यहाँ देख सकते हैं क्या क्या नंबर आया है, आया है 2 × 3। अब डायरेक्ट आप लिखिए 3 कितना बार है, 2 बार, 5 कितना बार है, 2 बार, और 17 तो बेचारा यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 17। अब कहो गया आंसर। अब वैसे ही आपके लिए हम वर्क दे रहे हैं, ये 4 और 5 नंबर बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा भी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास बहुत ईजी होता है, बस इसको मजे के साथ पढ़िएगा, सीरियसली नहीं पढ़ना है।